अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो कल की एपिसोड तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, जिसमें ये नॉमिनेशन का टास्क वगैरह जो होते हैं सारे। तो एक चीज़ मुझे अभी समझ में नहीं आ रही, कैप्टनसी है नो डाउट, ठीक है कैप्टन को बड़े राइट मिलते हैं, लेकिन ईशा को पहले वाला दिया, चलो उसने अपनी उस पर के हाँ मेरा डिसीजन था, मैंने ले लिया ऐश्वर्या को निकाल के। लेकिन कल जो नॉमिनेशन वाला टास्क था वो रुका तो नो डाउट लोगों की वजह से था। अभिषेक जिसमें बड़ा अग्रेसिव हो गया था, उसको नहीं बार बार जो क्यों दरवाजे पे रुकना था, दरवाजे से बाहर की तरफ जब तक तो फ़ोन की रिंग नहीं होती, उससे नॉमिनेशन होने की कॉल उठा के, जिसमें वो पहला दफ़ा जब बजी तो वो अंदर आया तो अभिषेक ने जबकि पकड़ा था, लेकिन वहाँ पे वो बाईस होकर कहती कि नहीं उसका जो बॉयफ्रेंड है समर्थ तो के उसका हाथ लगा था तो वो नॉमिनेट करेगा, तो उसने रिंकू को कर दिया नॉमिनेट, जिसमें 10 घंटे मिले थे कि जिसके घंटों के लिए हाथ से था ना, कि जो जो नॉमिनेट करेगा तो उस पर जो जो घंटे घंटे हैं 1-2 से लेकर 11 तक तो उतने किचन में ऐड होते जाएंगे, तो रिंकू रिंकू पे 8 घंटे थे तो वो ऐड हो गए। तो वो बड़ा एक बायस डिसीजन मुझे लगा था, क्योंकि उसने ना साथ दे दिया साथ ही समर्थ का ईशानी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि साफ पता चला था कि अभिषेक ने पहले फ़ोन को पकड़ा है। उसके बाद वो टास्क आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो सबको लग रहा था कि 22 हो रहा है, तो वो लोगों ने आने नहीं दिया, तो बिग बॉस ने भी वापस बुला लिया कि यहीं यहीं पे रुक जाती है नॉमिनेशन की जो की प्रक्रिया होती है। हिंदी वर्ड में बोल रहा हूँ, निकल ही गया, खैर मुझे एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं पता था। तो उनको भाई बुला लिया, भाई बुला के मैंने कहा कि ये अब यहीं पर हो गया टास्क, अब कम्प्लीट नहीं होगा, तो उसने ईशा की ले लिया और ईशा ने दो बंदों को सीधा सीधा कि उन्होंने कहा कि आप नॉमिनेट कर सकती हैं जो सीधा घर से भी घर होने के लिए हो जाएंगे, जिसमें उसने आयशा का नाम दे दिया और एक और नाम दे दिया अभिषेक का, कि अभिषेक की वजह से टास्क नहीं बढ़ाया, जो भी मामला उसने बोले कि रिंकू थी और एक नील, ये चार लोग नॉमिनेट हैं इस हफ्ते के लिए ना। तो ये मुझे बड़ा बायस डिसीजन लगा, क्योंकि ना आयशा को अगर उसने उन्होंने दिया था उसको थोड़ा देखना चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग के लिहाज से, पर्सनल ग्रजिस के लिहाज से ना करे, तो चीज़ों को कुछ गेम के लिहाज से भी लेना चाहिए था, तो गेम के लिहाज से तो नहीं लिया गया। मैं तो ये कहूँगा कि ईशा को ना आप थोड़ा सा गलत प्ले कर रही है, बाइस प्ले कर रही है इस गेम में, क्योंकि अभी मैंने मुनव्वर को सबने कॉर्नर किया हुआ था पिछले ना दो तीन हफ्ते से लेके, तो अभी उसको कोई इतना कोई मान भी नहीं रहा, हर कोई उसके पीठ पीछे जितनी मर्जी बुराई हो रही है वो कर रहा है, कोई उसको दो नंबर भी कह रहा है, फलाना भी कह रहा है, मतलब हर तरह का ना कुछ ना कुछ उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इसको तो मैं ये मानता था, इसको तो मैं यूँ करता था, अभी तक तो उसकी असली सामने नहीं आई थी, तो ये तो ऐसा है, ये वैसा है, फलाना है, ढमकाना है। तो इन दो को कॉर्नर करके उन्होंने ना बड़ा गलत ना स्टेटमेंट सबने पास किए। इवन अभी आप मनारा को देख लो, मनारा कितने कितने गलत वर्ड बोल रही है, इवन उसने कल जैसे अनुराग के साथ भी उसकी बहस हुई, उसकी थोड़ी सी अभिषेक के साथ भी हल्की सी फुल्की सी होने लगी थी, उसने आयशा को इवन अब क्या क्या स्टेटमेंट पास करना शुरू कर दी, थोड़ी सी अजीब किस्म की, अनुराग की फैमिली के रिलेटेड भी बात कर दी, लेकिन उसको अब ना पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको फेवरेटिज्म उसके लिहाज से है, मनारा के लिहाज से, मनारा चोपड़ा, इवन मनारा चोपड़ा के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ये प्रीनीति चोपड़ा और उसकी कज़न है प्रियंका चोपड़ा की, इवन उन्होंने इसको सपोर्ट किया, तो आगे से इनकी ये जब उन लोगों को उनके सपोर्ट को नहीं मान सकती तो यहाँ के ये लोग तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो कज़न सिस्टर्स है ना, तो उनको भी इवन ये कहती है कि भाई मैं इंडिविजुअल, नो डाउट आप इंडिविजुअल है, लेकिन अगर वो आपको शुरू में उस टाइम पर सपोर्ट करें जब आपको सपोर्ट की वाकई में ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, तो कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है फलाना, मतलब वो एक नहीं होता कि मैं अलग से ही हूँ, तो मुझे उनके उस पर ना गया जाए मैं वो हूँ, लेकिन जबकि आपको सबको साफ पता चल रहा है कि लोगों ने सपोर्ट किया, इवन प्रीनीति चोपड़ा उसके लिहाज से वीडियोस बनाती रही है कि मतलब कि मतलब जो भी आप कंसिस्टर का होता है आपस में मामला, कि आप सपोर्ट करने के लिहाज से वीडियोस में नाम मेंशन कर देना, उनका जिक्र कर लेना, तो यही सपोर्ट होता है और क्या होता है, लेकिन अगर आप वो चीज़ भी ना मानो तो ये तो अभी जो जब 7 दिन के दोस्त मतलब घर के जो फेलो हैं हेलोमेट जितने भी हैं, तो ये तो अभी 8-10 दिन मतलब ये हुए हैं, 2-3 तो कह दो कि वही एक स्टेटमेंट जो बनी है जुम्मा जुम्मा 7 दिन हुए हैं अभी इनको, तो इनकी क्या वो रखेगी लाज, तो वो यूज़ करती है वो कभी अपने ना कि मुझे अवार्ड मिले किसी की बेस से मिल जाए, मतलब अपनी परफॉर्मेंस से नहीं लोगों की बेस पे ना मुझे भी अवार्ड मिले कि मैं इसकी फेवरेट हूँ तो मुझे उस लिहाज से अवार्ड मिलना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता, बस आपको गेम में रहना पड़ता है। नो डाउट मुनव्वर शुरू में थोड़ा सा इन लोगों के अपने दोस्तों के लिहाज से बड़ा स्टैंड लेता था, मतलब उन्हीं की में ज़्यादा रहता था, उन्हीं में पिसके रह गया, तो उसकी बेचारे की पर्सनैलिटी अब ऐसे कर दी है कि जैसे कि ना उसका इमेज इतना डैमेज कर दिया ना, इतना डैमेज कर दिया कि हर कोई अब उस पर बात कर रहा है। खैर जब तक तड़का ना लगे बिग बॉस में तो मज़ा नहीं आता, बिग बॉस ने भी यही हरकत की कि थोड़ा तड़का मिले, तो तड़का लगाने के लिहाज से उसकी पर्सनल लाइफ क्या सब कुछ उन्होंने ना धर्म भरम करके रख दिया बिग बॉस ने,
इवन आप जब प्रोवोक करते हो तो अगला बंदा भी रिएक्शन देगा, फिर ये नहीं कि अगले बंदे का रिएक्शन गलत है, तो अगले बंदे के रिएक्शन को ना गलत को यार ये तो ऐसे बोल रहा है, इसने ये कर दिया, इसने चीज़ तोड़ दी, इसने फलाना कर दिया, नहीं। जब आप प्रोवोक करते हो ना फिर आपको वो एक लम्हे तक तो चुप रहेगा, लेकिन उसके बाद वो बोलेगा ही बोलेगा। बाकी जो कल की नॉमिनेशन वाला था उसमें थोड़ा सा बाइस रही है ईशा, ईशा ने मुझे लगता है अभी जो इस दफ़ा का वीकेंड गवा रहेगा ना, तो इसमें अब स्मार्ट प्ले के लिए हाथ से नहीं, उसकी यही क्लास होनी है कि आप अगर हम लोगों ने थोड़े सा मतलब कैप्टनसी अगर आपको मिली और आपकी थोड़ी सी तारीफ होगी आपने, तो उसका गलत फ़ायदा ही उठा लिया, आप बाइस भी हो गए, आप सारा कुछ हो गए, तो ये इस दफ़ा वीकेंड के बाद में ज़रूर होगा मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।